हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ द ब्लॉग फर्स्ट देहरादून डायरीज। रात को ही हम देहरादून पहुंच चुके हैं और आज से हम देहरादून को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो द फर्स्ट डेस्टिनेशन इज़ देहरादून जू। वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट, रेडी हो चुके हैं और कुछ ही देर में हम देहरादून जू की तरफ निकलेंगे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और प्लीज़ इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। सो गाइस, वी आर ऑलमोस्ट सेट टू गो। कैब इज़ वेटिंग आउटसाइड द होटल। ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे देहरादून जू है यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं देहरादून जू में। धूम्रपान करना, गुटखा खाना व उसका पीक इधर उधर फूटना पूरा Where are the birds? इसके पैर कैसे हो रहे? इसके पैर ये तो खाना मिलेगा ना, फाड़ देगा। रुको, आप पूछना, फोटो खींचेंगे इनके, ठीक है? वहीं खड़े हो। वेयर द ड्यूस तू इशी, देखो कितनी सुंदर है। Thank you.
अनफॉर्चुनेटली यहाँ का जो लेटेस्ट अट्रैक्शन लेपर्ड है वो भी थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गया है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगा आज। अभी स्टाफ से बात करी है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ ही दिनों में एक नया लेपर्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो रेस्ट यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, प्लेइंग एरिया है, प्ले स्टेशन, बच्चे यहाँ पे आके खेल सकते हैं, स्विंग्स एंड स्लाइड्स, एंड देर इज वन फूड कोर्ट ऑल्सो देयर जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, बट आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड। ये मैं आपको एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ एक से डेढ़ दो घंटे से ज़्यादा बिताने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप देहरादून से मसूरी जा रहे हैं तो ऑन द वे ये आपको पड़ेगा 60 से 70 रुपये की यहाँ पे टिकट है, 12 साल से नीचे की कोई टिकट नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे घूमने के लिए। बट इफ़ एक बार अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बेटर यही है कि एक बार आप यहाँ पे ज़रूर आइए।